बच्चों, आज हम छठी कक्षा का दूसरी इकाई का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं, जिसका नाम है उपयोग हमारे। यह एक चित्र पाठ है, तो आइए इस चित्र पाठ में कौन सा चित्र दिखाया है उसकी जानकारी हम लेते हैं। छात्रों, उपयोग हमारे इस चित्र पाठ में पहला चित्र हम देख सकते हैं डाकघर का है, जो एक सरकारी कार्यालय होता है। तो दूसरा चित्र है बैंक का। इन दोनों चित्रों की जानकारी हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, उपयोग हमारे इस पाठ का पहला जो चित्र है डाकघर, इसके संबंधी कुछ जानकारी हम सबसे पहले जान लेते हैं। डाकघर, यह एक ऐसी सुविधा है जो पत्रों को जमा करने यानी पोस्ट करने, छांटने, पहुंचाने आदि का कार्य करती है। यह एक डाक व्यवस्था के तहत काम करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अंग्रेजों ने सैन्य और खुफिया सेवाओं की मदद के मकसद के लिए भारत में पहली बार 1688 में मुंबई में पहला डाकघर खोला था। लेकिन इसकी स्वीकृति कब हुई? तो भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में तब स्वीकार किया गया जब 1 अक्टूबर 1954 को डाकघर महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में सौंपा दिया गया था। इसकी सदस्यता प्राप्त करने वाला देश भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि UPU का और 1964 से एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन यानी APPU का सदस्य है। आज़ादी के समय देश भर में 23,344 डाकघर थे। इनमें से 19,184 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे। आज़ादी के बाद डाक नेटवर्क का 7 गुना से ज़्यादा विस्तार हुआ और वर्तमान में 1,55,000 डाकघरों के साथ भारतीय डाक प्रणाली विश्व में पहले स्थान पर है। छात्रों, आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हम जब चाहे किसी भी तकनीक के जरिए बात कर सकते हैं, अपने प्रियजनों का हालचाल जान सकते हैं। मगर एक समय ऐसा था जब ऐसा सोचना भी असंभव था। तब लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए या तो उनके घर जाते थे या फिर चिट्ठी भेजा करते थे। डाकघर ने राष्ट्र को परस्पर जोड़ने, वाणिज्य के विकास में सहयोग करने और विचार व सूचना के अबाध प्रवाह में मदद की है। डाक वितरण में पैदल से घोड़ा गाड़ी द्वारा, फिर रेल मार्ग से, वाहनों से लेकर हवाई जहाज तक विकास किया हुआ है। पिछले कई सालों में डाक लाने ले जाने के तरीकों और परिमाण में बदलाव आया है। आज डाक यंत्रीकरण और स्वचालन पर जोर दिया जा रहा है, जिन्हें उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने तथा उत्तम डाक सेवा प्रदान करने के लिए अपना लिया गया है। डाक सेवाओं के सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य हैं, जो कारोबारी नजरे से बिल्कुल अलग है। विशेषतः विकासशील देशों में ऐसा ही है। भरोसेमंद डाक व्यवस्था आधुनिक सूचना व वितरण ढांचे का अहम अंग बना हुआ है। इसके अलावा वह आर्थिक विकास और गरीबी कम करने में एक महत्वपूर्ण साधन भी बन चुका है। छात्रों, डाकघर की अन्य भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी ईमो, इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO, IFS मनी ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवाएं, जन सुरक्षा योजनाएं,
म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा यानी ECS। इसके अलावा IPPB प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं भी इस डाकघर बचत योजना के अंतर्गत आती है। छात्रों, आइए तो इस डाकघर के चित्रपाठ में क्या क्या दिख रहा है सीखते हैं या जान लेते हैं। तो डाकघर के इस चित्र में कुछ स्त्री, कुछ पुरुष और बच्चे हम देख सकते हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी सी मेज रखी हुई है, जिस पर हम अपना लिफाफा रखकर या कुछ हमें फॉर्म वगैरह भरना हो तो वह भर सकते हैं। डाकघर में आने जाने वाले लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। वही मेज के पास कूड़ादान भी रखा हुआ है, यानी डाकघर की स्वच्छता रखने के लिए यह कूड़ादान रखा हुआ है। वहाँ एक गमला भी हम देख सकते हैं। अलग अलग काउंटर यहाँ पर है, जैसे कि पहला काउंटर हम देख सकते हैं बचत खाता का, यानी अगर हमें खाता खुलवाना हो या बचत करनी हो तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला काउंटर दिख रहा है मनी ऑर्डर का, यहाँ से हम देश में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अगला काउंटर है रजिस्ट्री या टिकट का काउंटर। रजिस्ट्री से भेजे जाने वाली डाक यहाँ हम दे सकते हैं, और यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट भी हम ले सकते हैं। अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट लेना यानी कि अलग अलग कीमती के या रुपयों के डाक टिकट हम यहाँ से ले सकते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी काम करते हुए हम देख सकते हैं। अधिकांश इनका काम कंप्यूटर से होता है। जगह जगह कुछ सूचना फलक भी हम देख रहे हैं, जैसे कि एक सूचना फलक पर लिखा हुआ है बचत आपकी प्रगति देश की। उसके बाद अगला सूचना फलक क्या है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। और एक अन्य सूचना फलक लगा हुआ है जिस पर प्रतिदिन उनकी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी हुई रहती है। यहाँ ग्राहकों को टाइम का पता चल सके इसलिए एक दीवार घड़ी भी लगी हुई हम देख सकते हैं। उसी के साथ आग बुझाने के लिए एक अग्नि शमन का यंत्र भी यहाँ लगा हुआ है। 500 साल का इतिहास बनाए हुए इस डाकघर ने चिट्ठियों से लेकर ई पोस्ट तक का अपना सफर बखूबी निभाया है। तो ऐसे किसी भी डाकघर में जाकर आप अपने माता पिता के साथ आपका बचत खाता खुलवा सकते हैं, या ऐसे ही उसकी जानकारी लेने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में आपकी विजिट देकर आ सकते हैं। छात्रों, इस डाकघर पर आधारित कुछ प्रश्न भी लिख लीजिए, जैसे कि डाकघर में कौन कौन से काउंटर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसा भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं। और आखिरी प्रश्न है, डाकघर में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है। क्या करना है बच्चों आपने, तो इसी चित्र का निरीक्षण करके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपने लिखना है।